गाइज वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल। आज आप मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल के एडू टेक्नो मित्रा चैनल पर यूपीएससी के 7 क्वेश्चन समझोगे। ये हमारे 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एडूला मित्रा और एमजे मित्रा। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये यूपीएससी का क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स figures given below are changing with a certain rule as we observe them from left to right। इसमें कोई changing हो रही है और हमने पांचवी पोजिशन में कौन सी फिगर आएगी वो बताना है। According to this rule, which of the following would be the next figure if the changes were continued with the same rule। यहाँ आप इसको पहली फिगर से एग्जामिन करना शुरू करें। यहाँ इसका वर्टेक्स टॉप में है और ये लेफ्ट में, और ये वर्टिकल है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट होगी और ये जो था अपना, इसका वर्टेक्स डाउन हो गया और ये अप से डाउन आ गया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चला। उसके बाद ये और टिल्ट होगी और ये यहाँ पर इससे लेफ्ट से राइट आ गया और वर्टेक्स हो गया ऊपर। इस फिगर में ये और टिल्ट होगी नीचे और ये यहाँ से सीधा टॉप में गया और इसका वर्टेक्स फिर बदल गया। अब जो अगली फिगर आएगी उसमें ये लाइन पैरेलल हो जाएगी इसकी और ये जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा लेफ्ट को और इसका वर्टेक्स हो जाएगा अपवर्ड। इसलिए इसकी जो राइट ऑप्शन है आपकी, ये डी है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। कंसिडरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट जो अपीयर हुए फॉर टेस्ट और उनका ये परफॉर्मेंस दे रखा है। पहले टेस्ट में एवरेज 60 की है, दूसरे में 60 की है, तीसरे में 70 है और फोर्थ में जो है 80 है, और ये रेंज है 30-90 और 45-75 और 20-100, 20-100, 0-100 और ये इनका डिफरेंस दे रखा है मिनिमम और हाईएस्ट स्कोर। इफ ए स्टूडेंट स्कोर 74 मार्क्स इन ईच ऑफ द फोर टेस्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज हर परफॉर्मेंस द बेस्ट कंपेरेटिव। यानी कोई भी स्टूडेंट जिसके जो है ना हर टेस्ट में 74 मार्क्स हैं, तो एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट उसका परफॉर्मेंस किस टेस्ट में बेटर है। अब यहाँ देखें, यहाँ हाईएस्ट स्कोर है 90, इसलिए उसका 74 काफी डाउन है और यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर है 75, लेकिन उसका कितना है, उसका है 74 और यहाँ पर ये 100 है और उसका 74 है, यहाँ 100 है 74, इसलिए ये कंपैरेटिवली इसके क्लोजेस्ट है हाईएस्ट स्कोरर, इसलिए उसका जो है ना टेस्ट सेकंड में बेस्ट परफॉर्मेंस। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, आइए इसको हल करते हैं। 6 स्क्वेयर्स आर कलर्ड, आपको 6 स्क्वेयर दिए हैं, और कलर्ड फ्रंट एंड बैक, रेड आर, ब्लू बी, येलो वाई, ग्रीन जी, व्हाइट डब्ल्यू एंड ऑरेंज ओ, एंड आर हिंज टुगेदर एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। उनको एक दूसरे के साथ हिंज कर दिया गया है। इफ दे आर फोल्डेड टू फॉर्म ए क्यूब, व्हाट वुड बी द फेस अपोजिट टू द व्हाइट फेस। जो स्क्वेयर की साइड होती है वो सारी बराबर होती है, इसलिए वो क्यूब की शेप लेती है। और अब इसमें जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये इधर आएगा और ये जो है ना ये ऊपर की तरफ होएगा, तो ये बन जाएगा बॉटम। और ये जब फोल्ड होएगा तो ये इसके साथ अटैच हो जाए, ये दोनों आपस में अटैच होंगे, तो ये बन जाएगी साइड और ये भी साइड है और ये भी साइड है, उसकी चार साइड होगी, एक बॉटम होगा, तो ये रहेगा टॉप। 6 फेसेस होते हैं क्यूब, तो इस हिसाब से हमारी जो है ये तो आपस में जुड़ गई और ये आपस में जुड़ गई दोनों, तो व्हाइट के अगेंस्ट बी है। अब इसको मैं एक पेपर कटिंग के साथ भी समझाऊंगा ताकि आपको ये और क्लैरिटी हो जाए, और इसकी ऑप्शन तो है सी। इस क्वेश्चन को मैं इस कटिंग के माध्यम से समझाऊंगा। ये कटिंग है और जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरह ये कलर कोड लिखे हुए, और ये एक क्यूब है उसको जो है ना अनफोल्ड कर रखा, और हमने ये बताना है कि व्हाइट के अपोजिट कौन सा कलर हो। हम इसको फोल्ड करते हैं, अब इसको हम नीचे से ऊपर फोल्ड करते हैं, तो ये ऐसे चला गया, फिर हम साइड से इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, अब ये हाफ क्यूब बन गया। अब इसको हमें ऊपर फोल्ड करते हैं और ये हमने ऊपर फोल्ड कर दिया और फिर ये हम साइड से फोल्ड करते हैं, तो ये अब हमारा एक क्यूब बन गया कंप्लीट। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाइट की अपोजिट क्या है,
ये आपका व्हाइट कलर है और इसके व्हाइट के अपोजिट ये आपका ब्लू कलर है, इसलिए जो है ना ये व्हाइट के अपोजिट ब्लू कलर ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह आप जो ये क्यूब के क्वेश्चनों को पेपर कटिंग करके उससे भी समझ सकते हो और आपके अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट डालना, आपका कोई सजेशन हो सजेशन दे सकते हो और वीडियो को फॉरवर्ड करना, दोस्तों में शेयर करना। ये हमारे तीन चैनल एडू टेक्नो मित्रा, एडूला मित्रा एंड एमजे मित्रा, तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और घंटी जरूर दबाना ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 48 है। इन द अबो फिगर सर्कल पी रिप्रेजेंट हार्ड वर्किंग पीपल, जो पी है ये है हार्ड वर्किंग, सर्कल क्यू रिप्रेजेंट इंटेलिजेंट, ये सर्कल क्यू है ये इंटेलिजेंट पीपल, सर्कल आर रिप्रेजेंट ट्रूथफुल पीपल, जो सर्कल आर है ये आपके हैं ट्रूथफुल, एंड सर्कल एस रिप्रेजेंट ऑनेस्ट पीपल, और ये जो है ऑनेस्ट पीपल। अब आगे क्या कर रहा है, विच रीजन रिप्रेजेंट द पीपल हु आर इंटेलिजेंट ऑनेस्ट ट्रूथफुल बट नॉट हार्ड वर्किंग, लेकिन हार्ड वर्किंग ना हो, इसका मतलब आर क्यू एस इंटरसेक्शन कर रहे हैं और पी वाला हमने छोड़ देना। ये आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये मैंने तीन सर्कल यहाँ पर उठा लिए हैं और ये तो आपका आर और इधर है क्यू और ये है एस। अब क्यू था इंटेलिजेंट पीपल, आर था ट्रूथफुल पीपल और ये था ऑनेस्ट। अब वो कह रहा है बट नॉट हार्ड वर्क, तो ये जो मैंने एक सर्कल मारा है थोड़ा है, ये उसका है जो अपने हार्ड वर्किंग पीपल, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एक सर्कल और बनेगा ना, यहाँ जैसे एक सर्कल और था ये फोर्थ सर्कल, ये ऐसे था आपका फोर्थ सर्कल, तो ये जो रीजन गया ये क्या है, हार्ड वर्किंग जो ये आपका आ गया, तो यहाँ पर ये सिर्फ हो रहा है कि जो ट्रूथफुल ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, तो ये जो रीजन सिक्स है यहाँ पर जो शो किया हुआ ये रीजन सिक्स, ये ऐसे पर्सन होंगे जो कि हार्ड वर्किंग तो है नहीं, क्योंकि हार्ड वर्किंग का पोर्शन ऊपर चला, लेकिन ये इंटेलिजेंट पीपल हैं, ऑनेस्ट पीपल हैं और ट्रूथफुल पीपल, इसलिए इसकी राइट ऑप्शन है ए सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री व्यूज ऑफ ए क्यूब फॉलोइंग ए पर्टिकुलर मोशन आर गिवन बिलो, व्हाट इज द लेटर अपोजिट टू ए, ए के अपोजिट कौन सा लेटर, ये आपने बताना है। यहाँ पर देखो कॉमन फेसिस है आपके एच और ये एच और इधर कॉमन है के की, यानी जो एच है वो के साथ है, ठीक है, इससे हमारे को ये क्लियर हो गया। तो ए के अपोजिट बताना, तो यहाँ जो है आपका क्या है, यहाँ ये के यहाँ आपने ए के अपोजिट बताना, ये यहाँ पे दिया हुआ है ए के अपोजिट बताओ, तो के और एच आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे यहाँ पर क्या होएगा, एच होएगा इस फिगर में, ये ए के अपोजिट है, इसलिए इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर मैंने इसको आपको अनफोल्ड करके दिखाया, ये एच जो होगा इसके ए के अपोजिट होगा, क्योंकि ये के साथ लगता हुआ यहाँ पर ये शो कर रखा है के साथ, और इधर ये एच है बी के साथ है, यानी ये एच बी के साथ भी रहेगा जब ये आपस में फोल्ड होंगे, तो ए के अपोजिट हो गया एच, ए ऑप्शन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 50, विच वन ऑफ द फिगर शोन बिलो ऑक्यूपाइज द ब्लैंक स्पेस, इस ब्लैंक स्पेस में कौन सी फिगर है, इन द मैट्रिक्स अबो, इस मैट्रिक्स में देते हुए। अब ये आपने ये देखना, एक तो ब्लैक है एक ये वाइट, ये आमने सामने है और यहाँ पर क्या होगा, ये उलट गए, ये यहाँ पे आ गया वो वहां पर चला गया, और यहाँ फिर क्या हो गया, जब इसमें हम आए तो ये फिर उलट गया, फिर ये वापिस चला गया, यानी पहले वाली जो आपकी ये फर्स्ट पोजीशन थी ना, इसी फर्स्ट पोजीशन में आ गई है जो आपकी थर्ड पोजीशन, और इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद ये नई पोजीशन है, और ये फिर क्या आ गई, यहाँ पर भी आपकी फर्स्ट और ये थर्ड ये सेम है, तो यहाँ पे जो फिगर आएगी ना वो जो है ये जो पहले वाला इसके उलट आएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा डाउन और ये व्हाइट ऊपर चला जाएगा, ये दी हुई है ऑप्शन डी में, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन गया और हमारे ये तीन चैनल हैं एडू टेक्नो मित्रा और एमजे मित्रा एडूला मित्रा, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी दबा देना, वीडियो को देखने के बाद लाइक करना शेयर करना दोस्तों में, और आज की बहुत ही अच्छी क्लास गई है और हमारी क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना।